For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. नुसरत भरूचा इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ड्रीम गर्ल को प्रमोट करने में काफी बिजी हैं। जैसे जैसे ये फिल्म रिलीज के करीब आती जा रही है, नुसरत हर कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी फिल्म को प्रमोट कर सके और इसी सिलसिले में वो कई मीडिया इंटरेक्शंस और इंटरव्यूज कर रही हैं। एक ऐसे ही इंटरव्यू के दौरान उनसे सलमान खान के बारे में पूछा गया तो नुसरत ने शर्माते हुए कहा कि आई हैव ऑलवेज बिन अ सलमान खान फैन एंड आई लव हिम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। वेल, हालांकि नुसरत ने कार्तिक आर्यन के साथ भी काम किया हुआ है और ड्रीम गर्ल में वो आयुष्मान खुराना के साथ नजर आएंगी, फिर भी नुसरत के दिल में तो बस सलमान खान ही है और उनके इस कन्फेशन को सुनकर हम सबको उम्मीद है कि सलमान उनके दिल की बात सुनकर उनके साथ कोई प्रोजेक्ट साइन कर ही लेंगे। तो क्या आप भी इस धमाकेदार खबर का इंतजार करेंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। पुणे में लास्ट शेड्यूल शूट हो रहा है किस फिल्म का, चलिए बताती हूँ। वेल, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक। पुणे में दबंग 3 का लास्ट शेड्यूल जो है वो बहुत जल्द शूट होने वाला है। नेक्स्ट वीक से पुणे में शूटिंग शुरू होने वाली है और इस मंथ के एंड तक, यानी कि आज लगभग अभी 10-15 दिन में ये फिल्म यानी कि दबंग 3 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाने वाली है। गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, शॉट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ डायलॉग डबिंग में भी बाकी रह जाएगी। उसके बाद सब खत्म होने वाला है और शुरू हो जाएंगे प्रमोशंस का सिलसिला और फिर हमें देखने को मिलेगा या तो टीजर या ट्रेलर, एक एक करके बहुत सारी चीज़ें आएंगी दबंग 3 से रिलेटेड। लेकिन फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि पुणे में नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाली है दबंग 3 की शूटिंग, लास्ट शेड्यूल रैप की शूटिंग होने वाली है और उस आखिरी शेड्यूल के बाद फिल्म को रैप कर दिया जाएगा जो कि होगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमारे पास दबंग 3 आ चुकी होगी कंप्लीट होके। सो कितना एक्साइटमेंट है दबंग के लिए, कमेंट सेक्शन में जाओ यार, वेट क्या कर रहे हो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जाओ मुझे बताओ कि कितना एक्साइटमेंट है दबंग 3 के लिए। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल मूवीज अड्डा के लिए, ऐसे सारे अपडेट्स चाहिए ना तो सब्सक्राइब करो। हेलो फ्रेंड, मैं मुंशी तिवारी और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। बात करें अगर प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म जो थी साहू उसके बारे में, तो फिल्म 30 अगस्त को रिलीज हुई और तब से लेकर अब तक फिल्म जो है कमाई पे कमाई की जा रही है, बॉक्स ऑफिस पर धड़ाके से बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो आपको बता दूं कि जब ये फिल्म जो है वो फर्स्ट डे रिलीज हुई यानी कि 30 अगस्त को, तो क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को लेकर काफ़ी नेगेटिव रिव्यू मिले, लेकिन जब लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंचे तो उनको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी। इतना ही नहीं, बात करें अगर फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में 30 अगस्त की, तो फ्राइडे को फिल्म ने 24.40 करोड़ की कमाई की, तो वहीं सैटरडे को 25.20 करोड़ की कमाई की, संडे 29.48 करोड़ की कमाई की, मंडे को 14.20 करोड़ की कमाई की, ट्यूजडे को 9.10 की कमाई की, वहीं अवेयरनेस डे को 6.90 करोड़ की कमाई की है। वेल, आपको बता दूं कि फिल्म ने जो हिंदी की बात करें, फिल्म जो आपको बताया कि 3 लैंग्वेज में ये रिलीज़ हुई है, तो अगर मैं ये जो मैं बात कर रही हूँ कलेक्शन के बारे में, ये जो है वो सिर्फ हिंदी की है, तो फिल्म ने हिंदी की कमाई टोटल 109.28 करोड़ की कमाई की है। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो फिल्म 350 करोड़ की कमाई, मतलब इससे भी ज़्यादा की कमाई कर ली है, जिससे फिल्म जो है साबित कर दिया कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हो चुकी है। फिर आपको क्या लगता है, आपको श्रद्धा और प्रभास की केमिस्ट्री कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नुसरत भरूचा इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ड्रीम गर्ल को प्रमोट करने में काफी बिजी हैं। जैसे जैसे ये फिल्म रिलीज के करीब आती जा रही है, नुसरत हर कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी फिल्म को प्रमोट कर सके। वेल, प्रमोशंस की बात हो और द कपिल शर्मा शो का नाम ना आए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जी हाँ, सोशल मीडिया में एक वायरल क्लिप में हमने द कपिल शर्मा शो की ड्रीम गर्ल एपिसोड को प्रोमो देखा, जहाँ आयुष्मान खुराना अपनी लीडिंग लेडी नुसरत
खरूचा के साथ मिलकर अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। साथ ही वो होस्ट कपिल शर्मा, कीको सारदा और भारती के साथ मिलकर सभी को हंसा भी रहे थे। इस क्लिप को देखकर तो हमें इस धमाकेदार एपिसोड का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और इस क्लिप में ड्रीम गर्ल के कास्ट की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग देखकर हमें अब इस फिल्म का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा, है ना? भाई वाणी कपूर ऐसे नाची हैं कि घुंघरू टूट चुके हैं। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी जिड्डा, दिस इज ज्योति नाहक। वाणी कपूर, ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ स्टारर वॉर का ट्रैक आउट हो चुका है, घुंघरू सॉन्ग। जी हाँ, द घुंघरू सॉन्ग सुनकर पहले तो ऐसा लगता है मैं नाचू बिन पायल, घुंघरू टूट गए तो क्या। वहां पर था घुंघरू टूट गए तो क्या, और यहाँ पर वाणी कपूर कह रही है कि मैं इतना नाची हूँ कि घुंघरू टूट चुके हैं। सो कहीं ना कहीं सॉन्ग ऑफकोर्स काफ़ी एंटरटेनिंग सॉन्ग बोलूंगी मैं इस गाने को, और जितना मैंने इस सॉन्ग को ध्यान से देखा तो मुझे ऑफकोर्स एक चीज़ तो डेफिनेटली समझ में आ गई कि वाणी कपूर इज अ फैबुलस डांसर। मतलब द वे शी ओन्स द स्क्रीन व्हेन शी डांस, मैन देखना चाहिए आपको। ऑब्वियसली ऑफकोर्स ऋतिक रोशन के साथ पेड अप नज़र होती आ रही है वाणी कपूर, टाइगर श्रॉफ के साथ तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन ऋतिक रोशन के साथ डेफिनेटली है। विशाल शेखर का म्यूज़िक है, और हम सब जानते हैं जब विशाल शेखर म्यूज़िक लेकर आते हैं तो क्या गाने निकल कर आते हैं। और साथ ही साथ शिल्पा राव की आवाज़ है विद अरिजीत सिंह, नन अदर देन अरिजीत सिंह ऑफकोर्स। लेकिन अगर ओवरऑल गाने की बात की जाए ना तो हैप्पी पेपी नोट है, हैप्पी और पेपी नोट है। उससे ज़्यादा इस गाने में मुझे और कोई खास बात नहीं लगी सिवाय वाणी कपूर के सिजलिंग मूव्स के, और जिस तरह का कोरियोग्राफी है। ऑफकोर्स ऋतिक रोशन को आप इतने टाइम बाद डांस करते हुए देख रहे हो, बिकॉज लास्ट हमने उन्हें जब देखा था तो ऑफकोर्स सुपर 30 में, फिर काबिल में, कहीं ना कहीं वो डांस वाला ऋतिक रोशन हमें देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब फाइनली ऋतिक रोशन देखने को मिल रहे हैं हमें, भर भर के डांस करते हुए दिख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस गाने का। आपको कितना पसंद आया सॉन्ग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। सलमान खान के फैंस को दबंग 3 के लिए अब करना पड़ सकता है थोड़ा सा और इंतजार। वेल फ्रेंड, मैं मनीषा तिवारी और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। बात करें अगर भाईजान की तो ईद जो होता है वो हमेशा उनका ही रहता है, और वो ईद पे अपने फैंस के लिए हमेशा तोहफे के तौर में एक मूवी लाकर देते रहते हैं, अपनी फैंस को ईद ही देते हैं। वेल आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि उनकी फिल्म आने वाली थी, संजय लीला भंसाली डायरेक्ट करने वाले थे। इंशाल्लाह जो के साथ इस फिल्म में आलिया भट्ट नजर आने वाली थी, ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म बंद हो चुकी है और ये फिल्म नहीं बनने वाली है। तो वही इसके बाद सलमान खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ और ईद पे भी। ये आपको पता ही है कि ये जो डायलॉग है ये किक की है, और इससे उन्होंने एक हिंट दे दिया था अपने फैंस को कि वो इंशाल्लाह नहीं लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो किक 2 लेकर आ सकते हैं। वेल अब सोर्सेस से पता चला है कि उनकी जो फिल्म आने वाली थी दबंग 3 2020 में आने वाली है, वो अब ईद के मौके पे रिलीज हो सकती है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। क्योंकि सलमान खान जो है अभी काफी ज्यादा अपने फिल्मों के लेकर बिजी नजर आ रहे हैं, तो वो किक 2 लेकर आए या वांटेड 2 लेकर आए, अभी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। हालांकि अभी किक 2 के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, जो डायरेक्टर है उन्होंने अभी इस फिल्म को लेकर कुछ भी कमेंट नहीं किया है। तो वही अब सलमान खान जो है दबंग 3 जो है उस पर विचार कर रहे हैं कि ये शायद से वो दबंग 3 ईद के मौके पे रिलीज कर सकते हैं। इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट सोनाक्षी सिन्हा नजर आने वाली है। वेल आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। खलनायक का रीमेक, नो एंट्री, इस तरह की तमाम फिल्मों के रूमर्स आ रहे थे कि सलमान खान फाइनली लेकर आ रहे हैं इतनी सारी फिल्म्स, इतनी सारे कंटेंट। इंशाल्लाह शेल्फ हो चुकी है, शेर खान का कुछ पता नहीं है, ईद पर आने वाली है शायद किक 2। वेल वेल वेल, क्या है इन सभी चीजों को लेकर अपडेट, सब बताती हूँ इस वीडियो में। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज ज्योति नाहक। सलमान खान को लेकर जितने भी रूमर्स आ रहे थे कि पहले तो किक 2 आने वाली है, इंशाल्लाह शेल्फ हो चुकी है,
खलनायक की बात हो रही थी, खलनायक 2 में सलमान खान नजर आने वाले हैं, फिर बात हुई कि नो एंट्री आने वाली है, इतनी सारी फिल्म्स आने वाली हैं। हाल ही में ऑफकोर्स सलमान खान सिर्फ और सिर्फ दबंग की शूट में बिजी हैं और उसके बाद बिग बॉस है दबंग के साथ साथ उनके लिए, और उसके अलावा फिलहाल सलमान के पास कोई भी फिल्म नहीं है। जी हाँ, इस बार सलमान खान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी दबंग के साथ रेडी हैं, लेकिन क्योंकि सलमान ने कहा है कि ईद पर वो आने वाले हैं, तो डेफिनेटली अगर सलमान ने एक बार कमिटमेंट दे दी है कि ईद पर वो आने वाले हैं तो वो आकर ही रहेंगे ईद पर। लेकिन हाँ, इन सब फिल्म्स के अलावा जब साजिद नाडियाडवाला से पूछा गया किक 2 को लेकर, तो उन्होंने कहा कि किक 2 को लेकर अपडेट ये है कि फिल्म का ड्राफ्ट रेडी हो चुका है, लेकिन कुछ डायलॉग्स जो हैं जिसको लेकर उनका काम चल रहा है, डायलॉग्स पर वो वर्क कर रहे हैं, जिसके वजह से फिल्म अभी रेडी नहीं है और एटलीस्ट 6 महीने उन्हें लगेंगे किक 2 के लिए। सो दैट मीन्स कि साजिद नाडियाडवाला फिलहाल छिछोरे के साथ रेडी हुए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन किक 2 के लिए अभी रेडी नहीं है। लेकिन बाजार में ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं कि और कोई फिल्म होना हो, लेकिन वांटेड 2 को लेकर अब बाजार जो है वो गर्म हो चुका है र्यूमर्स का, क्योंकि वांटेड 2 अब लिस्टिंग में आ रही है कि वांटेड 2 को लेकर फिल्म बन सकती है और सलमान वांटेड 2 के लिए रेडी है। लेकिन यहां पर बात यह है कि एक के बाद एक सलमान खान की जितनी फिल्म हैं सब शेल्व होती जा रही हैं, लेकिन यहां पर बात फिर से वही आती है कमिटमेंट की, कि सलमान ने एक बार कमिटमेंट दे दी है कि वो फिल्म लेकर आ रहे हैं तो फिल्म आने वाली है। जी हाँ, कौन सी फिल्म क्या, कुछ ही दिन रुक जाइए बस, अपडेट लेकर सलमान खान खुद आएंगे, खुद बताएंगे ईद पर वो आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं कौन सी फिल्म, क्या, कैसा, कब, सब समझ में आएगा ईद 2020 में क्या होने वाला है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और जितने भी सलमान खान के फैंस हैं वो तो जानते ही हैं कि भाईजान जो एक बार कह दे वो करके जरूर दिखाते हैं भाईजान आपके एज ऑलवेज। लेकिन कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि क्या जानना चाहते हैं सलमान के बारे में और साथ ही साथ किस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।